अपने हाथ को ऊंचा करो और शांत हो जाएं और मेरे साथ प्रार्थना में जाएं। हर एक आकाश के झरोके खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी, हम इस समय परमेश्वर मिलकर आपको दंडवत करते हैं, और पवित्र आत्मा इस विश्राम दिन के अंदर मेरे पिता हम विश्वास करते हैं, मेरे पिता प्रभु तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, और तू अपने लोगों को छुएगा आज, और पवित्र आत्मा बड़ी बरकत देगा, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, जितने लोगों ने आज सच में पवित्र आत्मा जी तेरे चरणों में बैठकर अपना टाइम सच में तुझे दिया है पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता प्रभु तू इन लोगों से प्यार करता है और सच में इनकी प्रमोशन करेगा आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो अपने फेथ को छोड़ा कर रहे हैं, छोड़ा कर रहे हैं, अपने फेथ को छोड़ा करो, आमीन बोलकर अपने फेथ को छोड़ा करो, ये प्रोफेसी है। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता, सच में इन लोगों ने पवित्र आत्मा जो आज हाथ उठाए हैं मेरे पिता, इन्होंने गर्मी नहीं देखी परमेश्वर, इन्होंने कोई टाइम नहीं देखा, इन्होंने कोई इंजॉय करने के लिए नहीं, मेरे प्रभु ये तुझसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज के विश्राम के दिन मेरे पिता तू आप ही उतर कर इनको आशीर्वाद देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग आराधना स्तुति करते परमेश्वर हर संडे रेगुलर चर्च में आते पवित्र आत्मा, मैं सच में इनको दुआ में चाहता हूँ कि परमेश्वर आज से मैं इनको अपनी दुआओं में रखता हूँ, और पवित्र आत्मा मैं तुझसे चाहता हूँ कि मेरे पिता मेरे लोग फैलने पाए, बढ़ने पाए, चौड़े होने पाए, इनके तंबू चौड़े हों यीशु मसीह के नाम में, इनकी हर एक आशीष खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा तेरे लहू में छिपाता हूँ इनको, आशीर्वाद दे आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। सब बैठ जाएं अपने स्थान पर, प्रभु आप सबको आशीष दे। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग गर्मी को झेल रहे हैं, हाथों को उठाऊं, बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आप जिस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं उसको फिनिश करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास है या नहीं? कितनों को विश्वास है मेरी प्रॉब्लम्स जाएंगी आज? कई लोग तो कह रहे हैं लगता है मैं ही बेड पे जाने वाला हूं आज, गर्मी ज्यादा नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है, अभी मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, इधर इधर थोड़ा ठंडा इलाका होने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास के साथ बैठना, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। सब नीचे बैठे, नीचे नीचे बिठाओ सबको। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सेट डाउन, नीचे बैठो सब। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हर एक जन को छूना चाहता है, क्या आप छूने के लिए तैयार हैं? आज परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसको बोलो कि आज प्रभु तुझे मिलने के लिए आएगा। बोलो हालेलुया। आज आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन याद रखना प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, इतनी सी, कितनी, जितनी ऐसी आपकी जू है, जू, समझ रहे कि नहीं, प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है। हालेलुया। अपने फेथ को बड़ा करो आज, अपने विश्वास को बड़ा करो, प्रॉब्लम्स छोटी होने वाली है और फिनिश होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो जहाज होता है वो हवा की विपरीत उड़ता है, उड़ता है कि नहीं, कितनों को मालूम है, लेकिन फिर भी वो ऊंचाइयों को छूता है। आपके विपरीत कोई भी मुकदमा चल रहा हो, आपके विपरीत कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी आपके विपरीत हो, कोई आपका साथ ना दे रहा हो, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको ऊंचाइयों को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ करें और सब बैठ जाएं। गवाही का टाइम है, जल्दी जल्दी गवाही सुनेंगे। हाँ हाँ, सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, गवाही सुनेंगे फटाफट परमेश्वर की महिमा के लिए। जल्दी जल्दी सबको लगाओ, टाइम कम है। प्रभु जी, इनकी बहुत बड़ी सबकी गवाही है, ये बता रहे हैं किसी को
डेढ़ साल से बच्चा नहीं हो रहा था, किसी को दो साल से बच्चा नहीं हो रहा था, और किसी को चार साल से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। और जैसे ही आपने लास्ट दिनों में भविष्यवाणी किया कि जिनके आज गर्भ नहीं ठहरा वो आज एसएमसी के सामर्थ्य नाम से ठहरना शुरू हो चुका है। और ये तीनों बहनों की गवाही है, किसी को एक साल, किसी को डेढ़ साल, किसी को दो साल, किसी को चार साल के बाद गर्भ ठहरना शुरू हो चुका है। हालेलुया, तारीफ करें, जोर से तारीफ करें, बोलो हालेलुया, हालेलुया। माइकल, सबको जय मसीह दी, सारे कलीसियन जय मसीह, प्रॉफिट जी ने जय मसीह दी। एक्चुअली मेरी दो बेटियां जो बड़े सजेरियन से हुई हैं, तो उसके चार साल के बाद मुझे बेबी कंसीव नहीं हुआ। तो पास्टर जी का क्रूसेड था नकोदर में, गुरु नानक कॉलेज के बीच में, तो मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई और मैंने वहाँ से ऑयल और वाटर लाया और वन वीक अप्लाई किया और मैं उसी वक्त मैंने कंसीव किया। तारीफ करें जोर से, हालेलुया। आप सुन रहे हैं इस गवाही को, ये बहन बता रही है कि मैं क्रूसेड में गई थी और परमेश्वर ने इसको आशीष दिया उस क्रूसेड में, चार साल के बाद ये फिर से प्रेग्नेंट हुई है। तारीफ करें जोर से, प्रभु की महिमा करें। लेकिन अनॉइंटिंग वाटर इसने लिया, यूज किया और फिर से ये प्रेग्नेंट हुई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कौन है ये? यीशु। कौन है ये? महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, आपके विपरीत कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के प्लेन में बैठे हैं, ऊंचाइयां फिर भी छू कर जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में, फिर भी तरक्की करोगे यीशु मसीह के नाम में। यही है यीशु मसीह का प्लेन, अच्छा है कि नहीं, बैठना है कि नहीं। अपने पड़ोसी को पूछो, पानी वाले जहाज में बैठेगी कि उड़ने वाले में? हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जैमसी की सारिया नू, असी मार्च महीने फर्स्ट टाइम चर्च आए सी और पास्टर जी ने प्रोफेसी की सी कि जिन्हां नू बेबी नहीं उन्हां नू बेबी होने जा रहे ने, और उस गल ते बिलीव कीता और अज मैं 3 महीने तो प्रेगनेंट हां। तारीफ करें जोर से, बोलो हालेलुया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਬੜਾ ਜਮਨ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਂਡੀ ਬੁੱਲ ਵਰਤੋਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬੇਬੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਅਭੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਸੇ ਕੁਛ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਆਇਲ ਲਿਆ ਥਾ, ਵਾ ਮਾਈਕ ਕਰ ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਬ ਕੀ ਲਿਆ? ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਆਇਲ ਲਿਆ ਥਾ। ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਔਰ ਆਇਲ ਲਿਆ ਥਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਸ सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को सुनो, अभी अभी ये बहन घबरा रही थी गवाही देते हुए, वो अपनी भाषा में बोल रही थी कुछ, वीरे वीरे मैनू गवाही नहीं देनी आती, तू दे दे, हैं कुछ ऐसा बोल रही थी क्या? समझ में नहीं आया, लेकिन सुनो, गवाही देते हुए मत शर्माना, परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देगा यीशु मसीह के नाम में। सुनो, भविष्यता की वैल्यू का आपको पता नहीं है, भविष्यता अगर पर्सन हो जाए, पर्सन समझ रहे कौन है? वो यीशु नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो पर्सन हो जाए, खुश हो जाए, तो वो कुछ भी दे सकता है। एलीशा के साथ ऐसा ही होता था, एलीशा को लोग बोलते थे कि जी इसने मेरे चर्च में बड़ा दान दिया है और इसको एक आशीर्वाद जरूर दे दो। वो बोलता क्या आशीर्वाद दूं? कह रहा इसके पास बेटा नहीं है, इसको बेटा दे दो। कह कर मुंह मांगा वरदान प्रॉफिट के मुंह से दिलवाया। आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आप उसको सीखो, कुछ वरदान जो है, कुछ प्रोफेसियां प्रभु बताता है। और एक बात है कि कुछ जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के कामों में हेल्प करता है, तब परमेश्वर का आत्मा इतना खुश होता है, कहता है कि इसको बोल, जो ये मुंह मांगा आज वरदान मांगेगा इसको मैं दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अब तू बोल, तुझे क्या चाहिए, बेटी चाहिए कि बेटा चाहिए? माइक ऊपर कर, तेरे से नहीं पूछ रहा मैं, तेरी वाइफ से पूछ रहा। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अब ऊपर कर, माइक कर। आपके पास कितने बच्चे हैं? पहले नहीं, कोई भी नहीं है। बेटा चाहिए? यस। पक्की बात है? तो परमेश्वर तुझे आशीष दे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसे कौन है? रमन, रमन। क्या नाम है? रमन। क्या नाम है? रमन। खोटे नुखरा अपना दिता यीशु मेरा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। माइक कर ऊपर, क्या मेरे को कहीं मिला तू? नहीं।
कोई बाहर नाम लिखवाया? नहीं। मेरे को बताया? नहीं। किसी को बताया यहाँ पर? नहीं। यस पास्टर को बताया? नहीं जी। ये दिख रहा है जो मोटा सा दिख रहा है? यस। बताया इसको? नहीं। बताया कि नहीं? नहीं जी। नहीं बताया? नहीं बताया। कौन जानता है तेरे नाम को? यीशु। तो मुंह मांगा वरदान मिलने जा रहा है तुझे यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस। जितने इस बात को समझ गए कि आप कहीं भी बैठे हो, याद रखना जो मुझे लाइव भी देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है बीज बोने वालों के लिए परमेश्वर आशीष को देता है। कुछ लोगों ने चर्च बिल्डिंग के लिए बीज बोया, मेरे पास लिस्ट है, मैं उन लोगों के नाम लेकर दुआ कर रहा हूं आज। जसबीर सिंह, सिमरन कौर, रेशम कौर, सुभान गिल, संजीव नक्षत्र कौर, गुरमेज कौर, तेज कौर, किरण राम कुमार। परमेश्वर अगले महीने में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देने के लिए जा रहा है आपकी लाइफ में। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? आप नई नई चीजें खरीदोगे, जो मुकदमे चल रहे हैं खत्म होने वाले हैं, जिसको औलाद चाहिए उसको मिलने वाली है। आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, जो लोग बीज बोते हैं यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। हालेलुया। याद रखना ये परमेश्वर की ओर से हैं बातें, ये मुझे जानता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको जानता है। आप जो काम करते हैं पवित्र आत्मा आपको जानता है। और यही बात बता रहा हूं कि परमेश्वर आज से आपकी लाइफ में तीन गुना बरकतें देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने अपने फेथ को बढ़ा रहे हैं, अपने फेथ को छोड़ा करो आज। अपने पड़ोसी को बोलो अपने फेथ को छोड़ा कर। गुस्से में बोल, गुस्से में, गुस्से में बोलो उसके साथ, अपने फेथ को छोड़ा कर। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने फेथ को बाहर निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? फेथ क्या है? अपने फेथ को बड़ा करना है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? फेथ को छोड़ा करना है। आपने जब हाथ मिलाया और कहा कि अपने फेथ को छोड़ा कर, और मैं बोल रहा हूं कि आपका बैंक बैलेंस चौड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूं, जिन लोगों के काम बैंक में आने थे लेकिन आए नहीं है, वो रिसीव करो, मिराकल मनी हो रही है बैंक में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कई लोग इंतजार कर रहे थे जब मैंने प्रोफेसी किया था प्रधानमंत्री के लिए, कई लोग इंतजार कर रहे थे कब ये पूरी ना हो और पादरी बजिंदर की मिनिस्ट्री को छोले लगाने शुरू कर दे। नहीं सुन रहे हैं वो लाइव में कुछ लोग, बोलो हालेलुया। लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं नहीं बोलता कभी जो मेरे खिलाफ बोलता है, मैं चुप रहता हूं, मेरा प्रभु बोलता है उनके लिए। हालेलुया। बोलता है कि नहीं? वो गीत गाया था ना इसने, बोलता 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 मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। इस गीत का मतलब समझा रहा हूं, मेरा यीशु मसीह बोलता बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है। करके दिखाया कि नहीं? आप कह रहा हूं कि जितनी बुराई करेगा कोई मेरी, उतनी प्रमोशन करूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी जितनी कोई बुराई करे, चुप रहो, परमेश्वर उतनी प्रमोशन करने के लिए जा रहा है आपकी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये बच्चे के साथ आने वाले हैं, प्रेग्नेंट हुए, ये परमेश्वर का चमत्कार है। बोलो हालेलुया। सीता कौन? सीता, सीता ऐसे, सीता सीता गीता ऐसा कोई है, उसके उसके लिए दुआ करो। उसके पास भी बच्चा नहीं है, तो उस एरिया में तुम्हें मिलने वाली और आशीष देने वाला परमेश्वर उसको। जाओ जाओ जाओ, तारीफ करो, जाओ जाओ। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, मेरा यीशु बोलता, बोलता मेरा यीशु बोलता, मेरा यीशु बोलता। हालेलुया। प्रॉफिट जी, मां अपनी गवाही में बता रही, इनके हस्बैंड पिछले 50 साल से ड्रिंक करते थे और ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन उन्होंने ड्रिंक नहीं की। और जो बता रहे पिछले 4 मंथ से ये चर्च में आ रहे हैं, और जहां जब आप प्रोफेसी करते जो लोग ड्रिंक करते हैं वो ड्रिंक छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और जो विश्वास के साथ उस प्रोफेसी को रिसीव करते हैं, और जो बता रहे हैं इन्होंने यहां से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर भी लिया और जो इन्होंने उसे यूज किया, और आज ये मां बता रहे हैं कि इनके पति उस ड्रिंक के नशे से आजाद हो चुके हैं, और जो सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, आज टाइम कम है, गवाहियां बाद में लेंगे। जाएं जाएं, सब जाएं।